शबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते गोपियों की तरह, हम न चाहते नहीं। भोजन भी कैसा बनाए जो परमात्मा को भोग लगा सके। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, भगवान खाते हैं, लेकिन जो भी बनाए वो परमात्मा को सबसे पहले अर्पण करें, सबसे पहले भगवान को भोग लगाए। हम लोग तो कहीं लहसुन प्याज का बना रहे हैं, कभी जो भगवान के खाने योग्य चीज नहीं है, जिसे मनुष्य भी कई बार, जिसे पशु भी कई बार नहीं खाता हो, ऐसी चीज़ों को हम खाते हैं, ऐसी चीज़ों को हम पीते हैं, तो क्या गति होगी हमारी? क्या भगवान हमारे घर में रहेंगे सदा सदा के लिए? हमारे घर को छोड़ करके, त्याग करके चले जाएंगे। इसलिए ऐसा भोजन हो जिसे परमात्मा ग्रहण कर सके। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके ऐसे बालक का नाम मैं भरत रखता हूँ। और कि जाके सुमिरन तेरे पोनाशा, जिसके जीवन में शत्रु हो महाराज, उन्हें प्रातः उठ करके इस चौपाई का गान करना चाहिए, जिसका सुमिरन करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रु घन वेद प्रकाश। कोई कहेगा महाराज हमारे तो शत्रु ही नहीं है, हम तो बड़े भले व्यक्ति हैं, हमारी किसी से बुराई नहीं है। तो हमने बताया था ना कि बाहर के जो शत्रु हैं वो तो दिखाई भी देते हैं, पता लगता है कि भाई हमारा शत्रु है, लेकिन ये जो अंदर के शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार, ये तो महाराज बढ़ते भी जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते। इसलिए अगर इनका भी नाश करना है तो इस चौपाई को रोज सुबह भगवान के सामने गुनगुनाइए, बोलिए। और लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम रखा, लक्ष्मण क्यों? जिसके जीवन का लक्ष्य राम है, जो राम जी को लक्ष्य मान करके चलते हैं, जो राम जी के पद चिन्हों के पीछे, जो राम जी के लक्ष्य के पीछे चलते हैं, उनका नाम है लक्ष्मण। गुरु वशिष्ठ तेहिरा का लक्ष्मण नाम आधार, जो इस सृष्टि का आधार है, सकल जगत आधार। हमारे जीवन का लक्ष्य भी भगवान को पाना हो। सबका नामकरण संस्कार हुआ। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर की सुंदर जोड़ी बन गई। राम जी के साथ में श्री लखन लाल जी, भरत जी के साथ में श्री शत्रुघ्न जी, गुटमन गुटमन नन्हे नन्हे पैरों से अवध को आनंद दे रहे हैं। सुंदर श्रृंगार, सुंदर रूप भगवान का मैया ने श्रृंगार किया है।
के धूरी भरे अति शोभित श्याम जू कैसी बनी सिर सुंदर छोटी धूरी भरे अति शोभित श्याम जू कैसी बनी सिर सुंदर छोटी। भगवान की सुंदर छोटी बनी हुई है उस अवध की गलियों में, अवध के आंगन में घूमते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम रसकान विलोकत वारत काम कला निधि कोटी काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। और भगवान उसी माखन रोटी के लिए मचल जाते। भगवान सुंदर सुंदर अपनी लीलाओं को करते हैं, सबको आनंद देते हैं। जब भगवान गुटमन गुटमन चलते हैं तब अवध में कई संत आकर भगवान को देखते हैं, आंगन में खड़े रहते हैं, रोते रहते हैं। एक दिन माँ कौशल्या ने पूछा, बाबा आप हो कौन? मैं देखती रहती हूँ, आप मुझे कोई साधारण से संत नहीं लगते, आप मुझे कोई मांगने वाले संत नहीं लगते, आप कौन हैं? और आप इस तरह से क्यों रोते हैं? तब उन संतों ने कहा कि हे मैया, हम अपने भाग के लिए रोते हैं कि हे विधाता, तुमने हमें ये मनुष्य का जन्म क्यों दिया, तुमने हमें मनुष्य क्यों बनाया? अगर कहीं तुमने हमें पशु पक्षी बना दिया होता, कहीं तुमने हमें पत्थर बना दिया होता, तो आज हम भी तुम्हारे महल की इन दीवारों में लग गए होते, इन आंगन में लग गए होते। और जब राम जी घुटमन घुटमन चलते इन दीवारों को पकड़ते गिरते तो हमें उनके चरणों के सुख का वह आनंद मिलता, इसलिए हम रोते रहते। भगवान शिव के मन में हुआ, अब तो राम जी और बड़े हो गए होंगे, चलना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लेकिन भगवान ने सोचा कि पिछली बार तो रूप बदल करके गए थे, लेकिन इस बार महाराज जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। पार्वती जी ने कहा, प्रभु इस रूप में जा रहे हो? बोले हाँ इसी रूप में जाएंगे। और भगवान बड़े विचित्र अपनी छवि को बनाकर बाघम्बर पहने हुए बड़े बड़े सर्पों से बाबा ने श्रृंगार किया और ऐसा वेश बनाकर अवध की गलियों में डोल रहे हैं कि आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज अयोध्या
निरंजन खड़ा पुकारे देखो दशरथ बाला चित्र रूप बना करके आए हैं, अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, भगवान का दर्शन करना है। लेकिन ऐसा अद्भुत रूप है, जैसे ही पहुंचे आवाज लगाई है अलक निरंजन, मैया बाहर निकल के आई, खूब सारा दान देने के लिए, क्योंकि जब से भगवान का जन्म हुआ है महाराज दशरथ ने इतना धन अन्न गौ माता सब भगवान के जन्म में दान की है और तब से देते ही जा रहे हैं। मैया बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती सब लेकर के आई है और जैसे ही देने लगी, बाबा ने कहा मैया ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे लाला का दर्शन चाहिए, अपने लाल के दर्श करा दे, जोगी ने मन में ठानी। तब मैया कहने लगी बाबा मैं अपने लाला को काऊ को ना दिखाऊंगी, एक बार नजर लग गई थी, बड़ी मुश्किल से आके एक बाबा ने नजर उतारी है, अब फिर से अगर कहीं नजर लग गई तो बाबा को कहां से ढूंढ के लाऊंगी। तो मैया बोलने लगी कि नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए
दिखाऊंगी। भोलेनाथ तो कह रहे मैया कुछ भी हो मैं तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया कहने लगी बाबा जो भी चाहिए हीरे जवाहरात हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाओ पर मेरे लाल के दर्शन योगी कभी ना होने पाए। मेरे लाला के दर्शन नहीं होंगे। अब तो भगवान दुखी हो गए क्या करें। और जैसे ही कि हो उदास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए देख भोले जी को जाते। जैसे ही भोलेनाथ जाने लगे तो मेरे राम जी रो रो कर चिल्लाए। राम जी रोने लगे और जैसे ही मैया ने रोना सुना तो भगवान को फिर बुलाया और भोलेनाथ ने दर्शन पाए हैं। ऐसे प्रभु के अद्भुत दर्शन कैसे हो कब होंगे जब हम भी माँ कौशल्या की तरह भक्ति करने लग जाएं, प्रेम करने लग जाएं। कभी कोई भगवान को ज्ञान से पकड़ना चाहे कि महाराज हम बड़े ज्ञानी हैं हमें भगवान मिल जाएंगे तो भगवान ज्ञान से नहीं मिलेंगे भगवान प्रेम से मिलेंगे। कि शबरी ने कहां पर वेद पढ़े गणिका कब यज्ञ रचाई थी कब यज्ञ किया था गणिका ने शबरी को कौन सा ज्ञान था फिर भी तो भगवान मिल गए क्योंकि हृदय में भक्ति थी भगवान की मिलन की लालसा मिलन का प्रेम था। कि शबरी ने कहां पर वेद पढ़े गणिका कब यज्ञ रचाई थी गणिका कब यज्ञ रचाई थी कि जिसके मन छल और प्रेम जिसके मन में छल नहीं है केवल भगवान के लिए प्रेम है कि जिसके मन छल और द्वेष नहीं भगवान उसी का हो जाए। ऐसा प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए कि सिया राम तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए तो दो चारण की बात है क्या ये संसार उसी का हो जाए ये संसार उसी का हो जाए।
जो भगवान के मार्ग पे चलते हैं। हमारा तो बेटा हमारा नहीं सुनता, हमारी तो पत्नी हमारी नहीं सुनती, लेकिन जो भगवान के मार्ग में चलते हो, जो संत हैं, जिनका जीवन केवल परमार्थ के लिए हो गया हो, उन्हें तो कितने कितने लोग सुनते, दुनिया उन्हें सुनती। तो भगवान को अगर पकड़ा जा सकता है तो केवल प्रेम से, भक्ति से। एक बार मैया ने भगवान को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में सुलाया है। और जैसे ही मैया भगवान की सेवा करने के लिए, भोग लगाने के लिए अपनी रसोई में जाती है, और रसोई से लड्डू लेकर के आई, भगवान को भोग लगाया। जैसे ही भगवान को भोग लगाया, फिर कुछ भूल गई तो लेने के लिए वापस गई है। जैसे ही वहां से लौटी तो क्या देखती है कि मंदिर में राम जी बैठ के लड्डू खा रहे हैं। मैया ने देखा, मैंने तो अभी लाला को पालने में सुला के आई हूं। बोले लड्डू कैसे खा रहा है। फिर मैया गई वापस पालने में, देखा तो भगवान सो रहे, फिर आई तो देखा कि लड्डू खा रहे। मैया घबरा गई, व्याकुल हो गई, बोले हे प्रभु मैं क्या देख रही हूँ। तो भगवान मुस्कुराए, और जैसे ही मेरे प्रभु मुस्कुराए, अपने मुख में भगवान ने विराट रूप का माँ को दर्शन कराया कि दिख रहा वह मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड सूर्य चंद्र। जब माँ ने विराट रूप का दर्शन कराया भगवान ने, माँ ये देख कर के व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई, ये नन्हा सा बालक मैं क्या देख रही हूँ इसके मुख में। भगवान को टकटकी लगा के देखती रही। भगवान ने सोचा कि अगर मैया पहचान गई कि भगवान है, तुम्हारा जलमारी में बिठा करके बस रोज मुझे चिरौंजी का भोग लगाएगी, यही तो करते हैं भगवान को, कुछ नहीं मिला, रोज एक डिब्बी में ला के मिश्री धर ली, दो चार दाने निकाले, बस। भगवान ने सोचा अगर अभी तो प्रेम भी मिल रहा है, अभी तो वात्सल्य भाव से सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है, कहीं मैया को पता लग गया कि भगवान हो तो मंदिर में बैठ के चिरौंजी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। भगवान ने अपनी उस माया के पर्दे को खींचा है, देखा कोई नहीं। कौशल्या मैया ने भगवान से प्रार्थना करी है कि प्रभु अब कभी भी मुझे आपकी इस माया का दर्शन ना हो, मुझे कभी भी आपकी ये माया व्यापे नहीं। भगवान के अगर मर्म को कोई जानता है सबसे ज्यादा तो वो है मैया कौशल्या, सब कुछ जानती है भगवान के भेद को। प्रभु ने मैया को अपना वचन दिया, तत्पश्चात एक बार भगवान अपने बाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे, और जैसे ही सारी सखा मंडली के साथ में खेल रहे थे, उसी समय महाराज दशरथ ने देखा, और देख करके भगवान को बुलाया भोजन करने के लिए। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ ने बुलाया तो भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि यहाँ पे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर संबोधन लिखा है कि कोई भक्त नहीं, दशरथ नहीं, कौन बुला रहा है भगवान को?
बोले राजा कि भोजन करत। बोली जब राजा यहाँ पे कोई राजा बुला रहा है, भोजन करत बोल जब राजा, और किसी राजा के बुलाने पर भगवान नहीं जाते। और फिर अकेले राम जी को बुला रहे हैं, उनके मित्र मंडल को, उनके सखाओं को नहीं बुला रहे हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं क्यों जाऊँ जब मेरे सखाओं को नहीं बुला रहे, जब मेरे मित्रों को नहीं बुला रहे, क्योंकि भगवान सबको समान देखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। उनकी दृष्टि में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए भगवान नहीं गए। दूसरी बात, भगवान को पाना है तो भगवान को पकड़ने के लिए भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। महाराज दशरथ केवल बुला रहे इसलिए भगवान नहीं आए। और कौशल्या जब बोलन जाई, बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चला ही पराई। जैसे ही मैया कौशल्या भगवान को बुलाने लगी, बुलाया है वो तो है ही, लेकिन पकड़ने के लिए भाग रही है। कौशल्या भक्ति है और भक्ति से ही भगवान को पकड़ा जा सकता है। महाराज दशरथ ज्ञान है, कोई सोचे कि ज्ञान से परमात्मा मिल जाएंगे तो ज्ञान से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। फिर कौशल्या मैया ने बुलाया, भगवान आए, और फिर कौशल्या मैया ने उठा करके महाराज दशरथ को दिया, क्योंकि किसी भक्त की ही ताकत है कि भगवान को पकड़ के महाराज सौंप सके, दे सके। और भगवान की आगे की लीला मैं बहुत सुंदर वर्णन करते हुए, जब प्रभु और बड़े हुए तो गोस्वामी जी भगवान के गुरुकुल जाने के लीला का वर्णन कर रहे, क्योंकि गुरु के बिना जीवन में ज्ञान भी नहीं मिल सकता। कि पारस के परसन से कंचन भई तलवार, पर तुलसी तीनों ना मिटे धार मार आकार। पारस पत्थर का स्पर्श करा दीजिए, पारस के परसन से, स्पर्श से
तलवार कंचन तो बन गई, सोने की हो गई, लेकिन तुलसी तीनों ना मिटे धार मार आकार, ना उसकी धार मिटी है, किसी को मारोगे तो मर भी जाएगा, और ना ही उसका आकार मिटा है। लेकिन जब तीनों को मिटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या हथोड़ा हाथ ले सदगुरु मिला सुना, फिर क्या होगा कि तुलसी तीनों मिट गए और कहो कि ये तलवार है सोने की हो गई है, कुछ और आभूषण बना दीजिए, क्या करेंगे इसका, तो वो हथौड़ा लेगा, हथौड़े से मार पीट करके ठोक करके मारा सुंदर कोई आभूषण बना देगा। उसी प्रकार जीवन में जितने अवगुण हैं, तो ज्ञान के द्वारा कोई सदगुरु, तो ज्ञान हथौड़ा हाथ ली सतगुरु मिला सुनार, शरण में चले जाइए गुरुदेव की, तो ज्ञान रूपी हथौड़े के द्वारा चोट करके महाराज हमें भी उस योग्य बना देंगे। फिर हमारे अंदर भी जितने अवगुण भरे हुए हैं उनको मिटा करके ये मन निर्मल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि एक पिता है और एक माँ, तो माँ और पिता के प्रेम में एक अंतर होता है। कैसा अंतर? जब बच्चा छोटा होता है, स्नान नहीं किया, मैले से वस्त्र पहने हैं, जब साफ सुथरा नहीं है तो पिता कभी भी उसे गोद में नहीं लेता, लेता है क्या? नहीं लेता। लेकिन जैसे ही माँ ने नहला धुला दिया, खिला पिला दिया, सुंदर वस्त्र पहना दिए, जब सुंदर दिखने लगा तो पिता जल्दी से फिर गोद में ले लेगा। ये माँ के और पिता के प्रेम में अंतर है कि माँ हर चीज़ में, हर अवस्था में अपनी संतान को स्वीकार करती है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। तो जो गुरु होते हैं वो माँ के समान होते हैं कि गुरु तो है माता सम गोविंद राधे की विमल बना के हरि की गोद में बैठा। इस प्रकार माँ स्वच्छ बना करके, सुंदर बना करके पिता की गोद में दे देती है, उसी प्रकार गुरु हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह जितने अवगुण भरे हुए हैं उस अज्ञान रूपी पर्दे को हटाकर हमें भगवान की लगन लगा देते, भगवान की योग बना देते हैं। थोड़े से प्रभु बड़े हुए और विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, प्रातः उठते हैं, गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं। एक मानस का बहुत सुंदर चित्रण गोस्वामी जी ने किया कि प्रातः काल उठ आश्रम में भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए।
पहले की परंपरा थी कोई राजा का ही बेटा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसको विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ता है। और आजकल तो महाराज जितनी फीस चाहिए उतनी फीस दे देंगे आपको, घर पे शिक्षा देने के लिए बच्चों को आना पड़ेगा। अब जब गुरु को ही घर पे बुला लिया तो फिर माता पिता सामने हैं तो उसकी संतान क्या पढ़ेगी और क्या संस्कार सीखेगी। पहले के जब संतान जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो कितना परिश्रम करना पड़ता था, स्वयं हाथ से लकड़ी काटते, भोजन बनाते, फिर विद्या अध्ययन करते तो भी बढ़िया संस्कार होते। और आजकल के बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में संस्कार नहीं है। क्यों? अगर कहीं सर मैडम ने कह दिया आपका बच्चा पढ़ता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मस्ती करता है, आप क्या शिक्षा देते, तो हम जाके दो चार बातें उन्हीं को सुनाएंगे। हमारा काम है शिक्षा देने का। अगर हम ही को शिक्षा देनी होती तो आपके पास में क्यों भेजते, ये तो आपका काम है, आपको फीस किस बात की देते। हम दो चार बातें उन्हीं को सुना के आ जाते, तो फीस देते तो हम एहसान तो करते नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें शिक्षा मिल रही है, और अगर कोई शिक्षक अगर फीस नहीं लेगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ शिक्षकों के लिए भी बात है और विद्यार्थियों के लिए भी, कि विद्यार्थी जब शिक्षक के पास पढ़ने जाए तो पूर्ण भाव से, पूर्ण प्रेम से और पूर्ण समर्पण से पढ़े कि मुझे जो भी कुछ बनाने वाले हैं वो ये गुरु हैं। माता पिता तो हमारी गुरु है ही, लेकिन जिसने हमें योग्य बनाया, जिसने हमें पढ़ने लिखने के लायक बनाया वो हमारे शिक्षक हैं, वो गुरु हैं। और आजकल के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी एक शिक्षा के, पहले के जो गुरु होते थे देखते थे कि कोई विद्यार्थी कमजोर है या किसी के पास धन की व्यवस्था नहीं है तो वो ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा या इतनी फीस लगेगी, देखा कि कोई निर्धन है, कोई सामर्थ्यवान नहीं है तो उसे पहले के शिक्षक जो होते थे वो निःशुल्क शिक्षा देते थे। कोई विद्यार्थी कमजोर था तो उसे एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पढ़ाते थे। लेकिन आज की इस भागा दौड़ी में हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, कोई किसी की ओर ये नहीं देखता कि हमारे थोड़े से समय से किसी का कुछ लाभ हो सकता है, किसी को कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आजकल के जो माता पिता हैं उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार ऐसे देना छोड़ दिए मानो माते किने माते संस्कार धर दिया हो कि थारे थारो काम है कि तुम्हारे छोरा छोरी ने संस्कार देने उन्हें बड़ा करें, ये आपरो काम है, आपरे छोरा छोरी ने आपने शिक्षा देनी चाहिए। हम कपड़ा पहनना सिखा सके, खानो सिखा सके, हर काम करन सिखा सके, फिर संस्कार क्यों नहीं दे सके। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा संस्कारवान बने, आपकी संतान संस्कारवान हो, तो पहले आपको वैसा आचरण करना पड़ेगा, तब आपकी संतान वैसे आचरण करेगी। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठकर के मेरा बेटा मुझे प्रणाम करे, उससे प्रेम से व्यवहार करे, तो पहले आप जाकर के अपने पिता को प्रणाम करिए। जब वो ये आचरण देखेगा तो वो स्वयं आपको प्रणाम करने लगेगा। आप चाहती हैं कि अगर मेरी बहू मेरी सेवा करे तो आपको भी आपकी सास की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी बहू आपकी, क्योंकि ये कर्म है, कर्म का सिद्धांत ये कलयुग है। कहते ना इस हाथ लेना और इस हाथ देना, तो यहाँ जो व्यक्ति आया है जैसा कर्म कर रहा है उसको यही भुगतना पड़ेगा। अगर आप आपकी बेटी को ऐसे संस्कार दे रही हो कि जाना ससुराल में किसी की मत सुनना, कुछ काम मत करना, सास कुछ कहे तो जवाब देना, उल्टा सीधा बोलना, नहीं तो तुझे ऐसे ही दबाते रहेगी,
जब अगर आप अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दे करके भेजोगी तो ये बिल्कुल सत्य है कि आपके घर में आने वाली बहू भी ऐसी ही आएगी। आप जिस प्रकार अपनी बेटी को सुख देखना चाहते हैं कि उसको ऐसा घर मिले, इतनी सुविधाएं मिले, इतना सुख मिले, तो पहले आप अपनी बहू को उतनी सुख सुविधाएं, उतना प्रेम दीजिए। जब आप ऐसा करेंगी तो ये पक्की बात है कि ठाकुर जी आपकी बेटी को भी उतना ही अच्छा घर, उतना ही सुख देंगे। और जिस घर में गंगा गौरी घर की बहू बेटियाँ हंसते हैं, उसी घर में भगवान बसते हैं, भगवान बसते हैं। तो संस्कार हमारे जीवन में आ जाए। भगवान प्रातः उठ करके, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता, सुबह उठते हैं मन ही मन माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये भगवान की जीवन की दिनचर्या। रात्रि के समय में पहले राम जी गुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं, फिर राम जी शयन करते हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं, फिर लक्ष्मण जी शयन करते हैं। एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, उसको छोटे भाई को अपने बड़े भाई को पिता के समान देखना चाहिए, उसका एक कर्तव्य होना चाहिए। जिस प्रकार राम जी अपने जीवन को जी रहे हैं, जिस प्रकार श्री लखनलाल जी अपने जीवन, ये मानस है जो मानस मनुष्य को मानव बनाने के लिए है। किस प्रकार हमारा चरित्र हो, किस प्रकार हमारा ये जीवन हो, तो एक कर्तव्य बताया कि किस प्रकार श्री लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं। प्रातः सबसे पहले लक्ष्मण जी जागते हैं, फिर राम जी जागते हैं, फिर गुरुदेव जागते हैं। राम जी लक्ष्मण जी उठ के पूरे आश्रम की बुहारी लगाते हैं, सेवा करते हैं, गुरुदेव की सेवा के लिए पुष्पों का चयन करके लाते हैं। इस प्रकार प्रभु अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं। उसके बाद भगवान पुनः अयोध्या आए। बहुत समय हो गया, विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहिं विपिन शुभ आश्रम जानी। यज्ञ करते हैं, आश्रम में रहते हैं, लेकिन महाराज दुष्ट राक्षस लोग आ करके उस यज्ञ को विध्वंस करते हैं। विश्वामित्र जी को पता लगा कि महाराज भगवान का अवतार हो चुका है इस पृथ्वी के भार को हरने के लिए, तो विश्वामित्र जी भगवान को पाने की इच्छा से अयोध्या के लिए निकल चले। जैसे ही पहुंचे हैं, महाराज दशरथ को आगमन की सूचना मिली, द्वार पे पहुंचे। द्वार पे पहुंचने के बाद में प्रणाम किया और कहा कि महाराज कैसे आपका आगमन हुआ, मुझे बुला लिया होता। विश्वामित्र जी ने अपने हृदय की बात बताई और कहा कि मैं यज्ञ करता हूँ और दुष्ट राक्षस लोग आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं। कि असुर समूह सतावहि मोहि
कारण से आपका आगमन हुआ है? तब बताया कि असुर समूह सतावही मोही, इसलिए महाराज मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूँ। महाराज दशरथ को स्वप्न में भी नहीं पता था कि मेरी संतान को मांग लेंगे। कहा अनुज समेत देव रघुनाथा। महाराज दशरथ ने कहा आप जो मांगे मैं आपको सेना दे सकता हूँ, अस्त्र शस्त्र दे सकता हूँ, आपको क्या चाहिए? विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देव रघुनाथा। महाराज मुझे अनुज के सहित श्री राम जी चाहिए। निशिचर वध में हो बसनाता, राक्षसों का वध होगा, मेरा यज्ञ सफल होगा। महाराज दशरथ की आंख से झरझर आंसू बहने लगे, रुदन करने लगे। सोचते हैं चौथे पन पाई सुतचारी, चतुर्थ अवस्था में मैंने बालकों को पाया। विश्वामित्र जी आपने विचार करके वर नहीं मांगा, अभी तक आए थे तो बड़ा सम्मान दिया था, मांगने से मान भी घट जाता है। विश्वामित्र जी जब आए तो कोई मांग नहीं थी, तो बहुत सम्मान किया महाराज दशरथ ने। महाराज आइए, किस कारण से आपका आगमन हुआ? मुझे आज्ञा कर देते मैं आ जाता, लेकिन जैसे ही कहा अनुज समेत देव रघुनाथा, कह दिया मुनिवर विश्वामित्र जी आपने विचार करके नहीं मांगा। आपको पता है इतने नन्हे नन्हे से बालक हैं, ये क्या दुष्ट राक्षसों का वध करेंगे? मैं आपको अपने बालक नहीं दे सकता। इधर वशिष्ठ जी ने देखा, अरे ये महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं? जैसे इतना कहा तो वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को आज्ञा की और कहा महाराज मेरी आज्ञा है आप राम जी को विश्वामित्र जी को दे दीजिए। एक बात और मैं संत के मुख से सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अनुज में तो भरत जी भी हैं, शत्रुघ्न जी भी हैं, फिर लक्ष्मण जी ही क्यों साथ में गए? तो जैसे ही विश्वामित्र जी आए थे तो सबसे पहले राम जी आए, राम जी ने प्रणाम किया, राम जी एक और खड़े हो गए। भरत जी आए, भरत जी ने प्रणाम किया, दूसरी ओर भरत जी खड़े हो गए। फिर शत्रुघ्न जी आए, फिर लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, राम जी की ओर खड़े हो गए। फिर शत्रुघ्न जी आए, भरत जी की ओर खड़े। विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि जहाँ राम हैं और जो राम के साथ में है वही राम की शक्ति है, और शक्ति के बिना भगवान कहीं जा नहीं सकते, भक्त के बिना भगवान कहीं जा नहीं सकते। इसलिए कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। और एक और संत का कोई भाव था, उन्होंने कहा कि एक बार तो महाराज दशरथ ने समान रूप से तो दिखते ही थे, चारों का एक साथ जन्म हुआ था, तो राम और लक्ष्मण की जगह भरत और शत्रुघ्न जी को भेज दिया, और जैसे ही भरत और शत्रुघ्न जी चले, अब विश्वामित्र जी ने भी मन में विचार किया कि मैं कैसे विश्वास करूं कि भगवान है। तो विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु ये बताइए किस रास्ते से हम चलेंगे? एक रास्ता है जो 6 महीने में तय होता है, लेकिन वो निष्कंटक है, कोई दुष्ट राक्षस उस मार्ग में नहीं मिलेंगे। एक रास्ता 6 दिन में तय होगा, लेकिन महाराज
उस मार्ग में बहुत सारे दुष्ट राक्षस हैं। भरत जी संत हैं और संतों को तो महाराज दुष्ट राक्षसों से पहले ही डर लगता है, निंदक लोगों से दूर रहते हैं कि भैया अपन को क्या करना, भगवान का भजन करना, एक जगह रहो शांति से। तो भरत जी कहे, नहीं गुरुदेव, हम 6 दिन वाले मार्ग से नहीं जाएंगे, हम तो 6 महीने वाले मार्ग से चलेंगे जहाँ कोई दुष्ट राक्षस नहीं है। विश्वामित्र जी समझ गए कि ये भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान का तो अवतार ही राक्षसों को मारने के लिए। तो जैसे ही चले, इधर महाराज माताएं दुखी है, आज भगवान पहली बार इतने दूर के लिए जा रहे हैं, लेकिन कौशल्या मैया बड़ी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? इनको पता है कि भोलेनाथ ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक बाबा आएगा और तेरे लाला को लेकर के जाएगा, पर मैया चिंता ना करियो, जाएगो तो अकेलो, पर जब पल्ली पार से आएगो ना तो अपने साथ में बहू लेकर के आए। तो मैया तो यही सोच रही थी कि मेरा लाला बहू लेने के लिए जा रहा है। मैया बड़ी प्रसन्न है, भगवान आगे चले विश्वामित्र जी के साथ। महाराज दशरथ को प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और जैसे ही मार्ग में आगे चले हैं तो देखा श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी, चले हैं। मार्ग में ताड़का आई है और जैसे ही ताड़का आई तो विश्वामित्र जी ने संकेत कर दिया, बोले राम जी ये देखो, ये ताड़का नाम की राक्षसी आ रही है। ताड़का ने भी ऋषि को आते देखा और एकदम जैसे ही प्रहार करने के लिए खड़ी हुई है, प्रहार करने के लिए आई है, विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु मुझे इसकी संतान बहुत सताती है। भगवान ने अपना पहला प्रहार उस ताड़का पर किया। इसी ने कहा, प्रभु ने पहला प्रहार स्त्री पर किया। तो संतों का भाव है कि महाराज बिगड़ने की शुरुआत इधर से ही होती, बुरा मत मानना, हम भी तुम्हारी क्वालिटी के हैं, तुम्हारी बराबरी के हैं, तो बिगड़ने की शुरुआत यहीं से होती है। बच्चों को लाड़ लाड़ में ये माताएं क्या करती हैं, जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो दूध की बॉटल लेंगी और उससे दूध पिलाएंगी। तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो कहते हैं, अरे जब तो हम कुछ जानते भी नहीं थे, जब हमारी माँ ने हमें बॉटल से दूध पिलाया, अब तो हम बड़े हो गए, अब तो समझदार हैं, अब तो हम खुद ही ले लेंगे। फिर वो छोटी वाली नहीं, इतनी बड़ी वाली लेके पीते। फिर आप कहती हो, महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारा बेटा बिगड़ गया, शराब पीता है तो ऐसा करता है तो वैसा करता है। तो महाराज बिगड़ने की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए जीवन में अपनी संतान का आचरण कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, उसकी संगति कैसी हो, क्योंकि अगर संगति अच्छी नहीं है तो आपकी अच्छी संतान भी बिगड़ जाएगी, है ना? और अगर संगति अच्छी है तो हमारी संतान में कितना ही दोष क्यों ना हो, उसकी संगति अच्छी है महाराज तो उसका संग सुधर जाएगा। बाबा ने भी लिखा है कि सट सुधराही साते संगति सुधरई सतसंगति पाई। सट व्यक्ति भी सत्संग को पा करके महाराज सुधर जाता है। आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, समय समय पर जाइए, देखिए
उनका आचरण कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका खान पीन कैसा है, उनके साथ में रहने वाली सहेलियाँ, उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चे, उनके मित्र, उनके दोस्त किस प्रकार हैं। अगर ये नहीं विचार किया, ये नहीं ध्यान दिया, फिर बिगड़ने की शुरुआत हो जाएगी। और कभी भी क्रोध से नहीं, मार के पीट के नहीं बच्चों को समझाना है, प्रेम से समझाएं। आपको लगता है कि आपके बेटे ने गलती की है, आपकी बेटी ने गलती की है, अगर आप उसे डांटोगे तो वो गलती दो बार नहीं, वो चार बार करेगा। और जहां आपने उससे प्रेम से बोला, बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई ना, लेकिन अगर पापा को खुश देखना चाहते हो तो अगली बार से ये गलती नहीं करना, बस बन जाएगी बात, इतना काफी है। तो पहला प्रहार भगवान ने ताड़का पे किया, आगे मेरे प्रभु चले हैं। और जैसे ही आश्रम पे पहुंचे, विश्वामित्र जी ने समस्त आयुध धनुष राम जी को सौंपे हैं, समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान है। कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः हुआ भगवान ने विश्वामित्र जी को कहा कि महाराज अब आप निर्भय यज्ञ करिए, आज भगवान पहरेदारी में खड़े हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और जैसे ही यज्ञ आरंभ किया, एक और राम जी हैं, दूसरी और लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। जैसे ही दुष्ट राक्षसों ने, असुर गणों ने देखा यज्ञ विध्वंस करने के लिए आए हैं, मारिच आगे बढ़ा है, भगवान ने बिना फण के बाण से आघात किया है और आघात करके श्री राम जी ने उसे 400 योजन दूर फेंक दिया। सुबाहु आगे आया है, भगवान ने उसको भी वशमीभूत किया। इस प्रकार सबका उद्धार करते हुए आज मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं। विश्वामित्र जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, समझ गए कि ये प्रभु है, पृथ्वी के भार को हरने के लिए, दुष्ट राक्षसों का उद्धार करने के लिए ही भगवान इस धराधाम पे आ चुके हैं। इसके बाद मेरे प्रभु और आगे बढ़े। विश्वामित्र जी की एक आकांक्षा है कि राम जी को महाराज जनक के धनुष यज्ञ में ले जाएं। लेकिन अगर ये कहा कि स्वयंवर है तो भगवान नहीं जाएंगे, तो धनुष यज्ञ का प्रयोग किया और कहा कि चलिए राम जी, महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ में चलते हैं। प्रभु तैयार हुए और जैसे ही आगे चले हैं, एक घनघोर सा वन देखा, वन को देखते हुए आज मेरे प्रभु ने पूछा, गुरुदेव ये किसका आश्रम है, यहाँ कौन रहता था। तब आज विश्वामित्र जी ने बताया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देहा धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करूं रघुबीर। कितनी बड़ी बात, मैंने कल कहा था ना कि जब तक संत नहीं कहेंगे भगवान भी कृपा करने वाले नहीं है। भगवान को विश्वामित्र जी ने कहा, प्रभु
ये गौतम ऋषि की नारी है, इनसे अपराध हो गया, पति देव ने श्राप दे दिया, ये भगवान की चरणों की धूल पाकर ही महाराज इनका उद्धार होगा। तो बोले ये अहिल्या गौतम ऋषि का आश्रम है, प्रभु चरण कमल चाहती है, रज चाहती, कृपा करिए अहिल्या के भाग्य को देखिए। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो किसी संत के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अहिल्या के भाग्य को देखिए, कितनी प्रतीक्षा की होगी, कितनी भक्त की होगी कि अहिल्या स्वयं चलकर के नहीं गई, संत और संत साथ में भगवान को लेकर अहिल्या का उद्धार करने के लिए पधार। भगवान ने मन में विचार किया, स्त्री है और किसी स्त्री पर चरण का प्रहार करना, स्पर्श कराना अपराध होगा, तो क्या करें? भगवान ने वायु को आदेश दिया। संतों का भाव है कि अहिल्या कोई पत्थर की शिला नहीं हुई थी, फिर उसने अपने शरीर को जड़त्व बना लिया था, इतनी स्थिर हो गई थी कि संसार से कोई मतलब नहीं था, केवल भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, इतनी स्थिर हो गई, जड़त्व हो गई, इसलिए वो पत्थर की शिला जैसे हो। भगवान ने वायु को आदेश दिया, वायु उड़ कर के आई है और जैसे ही प्रभु ने उस रज पे अपने चरण का स्पर्श किया है, वो रज उड़ते हुए उस पत्थर की शिला पर पड़ी है और उससे सुंदर नारी प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही वह सुंदर स्त्री ने, अहिल्या ने भगवान की स्तुति की है और आज से उसने भगवान को एक नाम दिया है, पतित पावन, जो पतितों का भी उद्धार कर दे। प्रेम से बोलिए पतित पावन भगवान की। प्रभु आगे चले हैं और जैसे ही आगे चले, भगवान ने पूछा, गंगा जी को देखा तो पूछ लिया कि गुरुदेव ये गंगा जी कहाँ से प्रकट हुई है? विश्वामित्री जी ने कहा, प्रभु अब तो हद हो गई, अभी अभी सुन कर के आए हैं, वो अहिल्या कह रही थी कि जिन चरणन से निकसी सुरसरी की शंकर जटा समाई की सोई चरण के बट धोई लेनी तब हरि नाव चढ़ाई की भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण भज मन चरणन से निकसी सुरसरी, वो अहिल्या कह रही थी और अब पूछ रहे हैं कि ये गंगा जी कहां से निकली है? लेकिन गुरु का पद दिया है तो विश्वामित्र जी ने
गंगा अवतरण की कथा को श्रवण कराया और उसके बाद प्रभु आगे चलते हैं। वहां पहुंचे हैं जहां जनकपुरी है। रामायण में तीन नगरियों का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। कौन सी नगरी? किलंकानिशी चरणी करनी वा लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये लंका नगरी ऐसी है महाराज जहाँ विभीषण जी जैसा कोई एक संत रहता है, बाकी इस नगरी में निशिचर रहते हैं, दुर्जन रहते हैं। और एक कौन सी नगरी है? अयोध्या की नगरी है जहाँ महाराज सब सज्जन ही सज्जन रहते हैं। केवल एक दो वो मंथरा और वो धोबी जिसने माँ जानकी पर आक्षेप किया, ऐसी नगरी अयोध्या नगरी। इन सब में श्रेष्ठ कौन सी नगरी है? जनक नगरी। पूरी नरी नारी सुभग सूची नगरी है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता। यहाँ महाराज दुर्जनों का तो प्रवेश ही नहीं है, यहाँ तो सज्जन ही सज्जन वास करते हैं। जनक महाराज की जनक नगरी कैसी है? यहाँ महाराज झाड़ू निकालने वाले, पहरे करने वाले, उस महल की चाकरी करने वाले भी वेदों का ज्ञान रखते, धर्मशील है, धर्म को धारण करने वाले ज्ञानी है, गुणी लोग हैं, ऐसी ये जनक नगरी है। जैसे इस जनक नगरी में राम जी का प्रवेश होता है, विश्वामित्र जी आए, महाराज जनक को पता लगा, द्वार पर आए हैं आगवानी की। और जैसे ही आए तो महाराज विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को थोड़ा सा भ्रमण करने के लिए भेज दिया, क्योंकि विश्वामित्र जी चाहते हैं कि ये बड़े वैरागी हैं और ये वैरागी होते हैं ना, इनको रूप से कोई मतलब नहीं है, वैरागी है, इसलिए आज वो राम जी के रूप का दर्शन कराकर श्री जनक जी को मोहित करना चाहते हैं। पहुंच गए। जैसे ही जनक जी बैठे हैं, जनक महाराज ने पूछा कैसे आगमन हुआ? विश्वामित्र जी ने बताया धनुष यज्ञ का समाचार सुना और आपके यहाँ चले आए, और उसी समय में राम जी और लक्ष्मण जी का आगमन होता है। पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, खड़े हैं, बताया कि ये महाराज जनक हैं, इन्हीं की नगरी है, चरणों में प्रणाम करते हुए प्रभु खड़े हो गए हैं। जैसे ही जनक महाराज ने देखा तो प्रभु की उस छवि को देखते रह गए, और देखते देखते विश्वामित्र जी से पूछा है कि कुशल प्रश्न कहीं बार ही बार 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 प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि मूर्ति मधुर मनोहर देख
भया हूँ विदेहूँ विशेषी शरीर से है महाराज, लेकिन आज जनक महाराज विदेह राज शरीर से विलग हो गए। भगवान की उस छवि को देख करके मोहित हो गए और कहने लगे कि कहाँ हूँ नाथ सुंदर है कि बालक है, मुझे समझ में नहीं आता। मुनि कुल की तिलक है या किसी राजा की पालक है? आपके साथ में आए हैं, लेकिन इनके सुंदर रूप को देख करके ये विश्वास नहीं होता कि ये किसी मुनि की संतान है। और महाराज मेरा मन कभी मोहित नहीं होता, लेकिन आज कि सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा। महाराज मैं वैरागी हूँ, मेरा मन कभी इस तरह उलझता नहीं है, किसी की तरह आकर्षित नहीं होता, लेकिन आज इनको देखते देखते मेरा मन थकता नहीं है। इसलिए कौन है बताइए? तब कहा कि महाराज ये दोनों महाराज दशरथ के बालक हैं। और मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे साथ चले आए हैं। ये बड़े हैं, इनका नाम राम है। इनके छोटे भ्राता, इनका नाम श्री लक्ष्मण है। और इन दोनों भाई ने आकर मेरे यज्ञ की रक्षा की और हम सब के नेत्रों को कृतार्थ किया है। युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, संग्राम को जीत लिया। महाराज जनक तो बड़े मोहित हो गए और कहा प्रभु आप अकेले आते तो मैं आपको पर्णकुटी में वास दे सकता था, लेकिन आज आप राजकुमारों के साथ आए हैं, इसलिए आज आप मेरे विशिष्ट अतिथि गृह में वास करिए। महाराज जनक लेकर के गए, रुकाया, भोजन की सुंदर व्यवस्था सेवा की है। आज रात्रि में पुनः मेरे प्रभु ने गुरुदेव के चरणों की सेवा की, लखनलाल जी ने राम जी के चरणों की सेवा की है, सबने शयन किया है। लेकिन आज रात्रि भर महाराज जनक को निद्रा नहीं आई, व्याकुल हो गए। मां सुनैना से कहा इतना सुंदर बालक महाराज दशरथ के घर जन्म लेके कैसे आ गया? ये तो मेरे घर जन्म लेना चाहिए, क्या करूं, ये मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। गुरु मैं बन नहीं सकता, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, पिता बन नहीं सकता क्योंकि महाराज दशरथ ने जन्म दिया है। हे प्रभु हे विधाता, ये मुझे कैसे प्राप्त हो? ऐसी व्याकुलता जब भगवान के लिए होगी तो भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है, केवल बुलाने की आवश्यकता।
नरसिंह जी रे वास्ते तो भगवान गाड़ी बनान वास्ते ही गया। तो अगर हम प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे। नरसिंह जी मायरा भरण वास्ते जब जा रहा था तो नरसिंह जी री रास्ता में देखिए, संसार जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना तो ये संसार हमसे दूर हो जाता है। और जब संसार की ओर बढ़ोगे तो जिसके लिए जैसा करोगे उसे प्रिय लगोगे। कोई चोरी करता है, आप चोरी करने में उसका साथ दो, आप उसके मित्र बन जाओगे, होगा ना। कोई चुगली निंदा कर रहा है, आप भी उसमें मिल जाइए, आप उसके मित्र बन जाएंगे, वो आपको प्रिय लगने लगेगा, आप उसको प्रिय लगने लगेंगे। तो ये संसार है। जब नरसिंह जी भगवान री भक्ति में लग गया तो संसार रे वास्ते लोग हंसी करे कि यो नरसिंह कई खावे नहीं है, पहनन वास्ते कपड़ा नहीं है, गाड़ी नहीं है, ले भक्ति करे भक्ति करे। लेकिन भक्त को केवल भक्ति ही चाहिए। एक भक्त था, भगवान ने उसे कहा देख तुम्हारी भक्ति करण वास छोड़ दे। बोले महाराज मैं तो थारी भक्ति करा, तू भले ही मारे कितरो ही दुख दे। भगवान बोले देख अगर तू भक्ति करे मैं तारी पत्नी ने मार दू। बोले हाँ मार दो, मेरी पत्नी भी मर जाए मुझे कोई दुख नहीं। कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी मर गई। भगवान ने कहा अब भक्ति करना छोड़ दे। बोले नहीं तो तेरे बेटे को भी मार दूंगा। उसने बोला ठीक है मार दो, मुझे नहीं चाहिए संसार, पर भक्ति करूंगा। कुछ समय बाद उसका बेटा भी मर गया। भगवान ने कहा अब भक्ति करना छोड़ दे नहीं तो संसार में तेरी बदनामी करवा दूंगा। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, करा दो बदनामी। पूरे संसार के लोगों ने चोरी का इंजाम लगवा दिया भगवान ने, लोग बुराइयां करने लगे, गाली देने लगे। बोले प्रभु कोई बात नहीं, अगर अच्छा काम करता 10 लोग आते, मेरा समय बर्बाद करते, मेरे भजन में परेशानी होती। कम से कम लोग गाली देते हैं, भजन तो करता हूं अकेले, कोई मुझे पूछता नहीं। भगवान ने कहा देख अब भी भक्ति करना छोड़ दे नहीं तो अब थारे माथे, अब थारी बारी, थारे माथे बिजली पटकी दूं। बोले पटक दो भगवान। और जैसे ही बिजली गिरने लगी उठाया शालिग्राम जी को, अपने सिर पे रखा और बाहर खड़े हो गया। बोले ले गिरा दे बिजली। बोले पहले तो तेरे ऊपर गिरेगी, बाद में मेरे ऊपर गिरेगी। भगवान भी प्रकट हो गए और कहा कि मैंने तेरे जैसा भक्त अपने जीवन में नहीं देखा, जिसने सब कुछ छोड़ दिया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। ईश्वर के सिवा अगर कहीं मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। तो नरसिंह जी री गाड़ी टूट गई। नरसिंह जी री गाड़ी बनान वास्ते जब भगवान नरसिंह जी आधी रात में भगवान ने पुकारिया, रुक्मणी जी के भगवान तेरा आधी रात में कहां जाओ, भगवान के मारे भगत रे ऊपर भीड़ पड़ी। लक्ष्मी जी उठ के बैठ गई, कई प्रभु थारे भगत रे सब भक्ता ने रात में ही पीर पड़े, कोई ने दिन में पीर पड़ी जावे, आधी रात में ते भाग भाग ने जाओ। जब नरसिंह जी री गाड़ी टूट गई तो भगवान ने उठाया अपना झोला झंडा, विश्वकर्मा जी का द्वार खटखटाया, बढ़िया खादी का वेश बना के और भगवान पीछे पीछे आए नरसिंह जी रे। और नरसिंह जी रे आवाज लगाए कैसा हाल हुआ कबीर जी जैसा, कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा नरसिंह जी रा हाल हो गया भगवान रा। तो भगवान आए नरसिंह जी रे आवाज लगाए के घनी दूर से दौड़ियो उथरी गांडू ली रे
में भगवान ने गाढ़ी बना दी और नरसिंह जी इसे क्या कहते हैं कि घोड़े ऊपर बैठ हाकसू में नाना ठेकर जो आराम दाबसू पग थाना। भगवान बताइए भक्त के पैर दबाने के लिए तैयार है, लेकिन हम भी तो भक्ति करने के लिए तैयार हो। अरे बिना स्वार्थ के तो हम अपनों को भी याद नहीं करते, फिर भगवान से भी स्वार्थ वशीभूत याद करते, लेकिन बिना स्वार्थ के जब हमसे संसार के लोग रिश्ता नहीं जोड़ सकते तो वो भगवान। लेकिन हम बस निस्वार्थ हो जाएं, निष्काम हो जाएं, तो भगवान हमारे पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं, बस हम भक्ति में लग जाएं। तो प्रतीक्षा की है महाराज जनक ने रात्रि भर शयन के, क्या करूं व्याकुल हो गए, कैसे मुझे राम जी प्राप्त हो। तब एक विचार मन में आया और सोचने लगे कि दामाद भी तो पुत्र के समान होता है, तो ये मुझे, मैं इनको अपनी बेटी दे देता हूं और ये दामाद के रूप में भी और पुत्र के रूप में भी मुझे प्राप्त हो जाएंगे। जनक जी के मन में अब थोड़ा सा धीर बंधा है और जैसे ही प्रातः काल हुई, इधर सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे, राम जी जागे, गुरुदेव जागे हैं, और जैसे ही सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, इधर राम जी ने लक्ष्मण जी ने आके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और इधर लक्ष्मण जी का नाम लेकर राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण की नगर भ्रमण की इच्छा है। गुरुदेव ने कहा, अच्छा लक्ष्मण की इच्छा है तो आप क्यों बोल रहे हैं, क्या लक्ष्मण हमसे नहीं पूछ सकते कि गुरुदेव हमें नगर भ्रमण के लिए जाना है। तो राम जी ने कहा, प्रभु उन्हें संकोच लगता है। गुरुदेव ने कहा, अच्छा लक्ष्मण को और वो भी संकोच, हो ही नहीं सकता। तो बोले, गुरुदेव आप आज्ञा करें तो नगर भ्रमण करके आए। तो गुरुदेव ने कहा कि लक्ष्मण की इच्छा है, कोई बात नहीं, मैं दो चार शिष्यों को भेज देता हूं, लक्ष्मण को भ्रमण करा के ले आएंगे। तो बोले, हाँ गुरुदेव वो बात तो सही है, लेकिन लक्ष्मण अभी छोटा है ना, कहीं लरकनी में पड़ जाए, इधर उधर भ्रमण करने लग जाए, देर हो जाए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप आज्ञा कर दें। गुरुदेव फिर मुस्कुराए और कहे कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन कीन लरकाई। सब साथ में हुआ, भोजन जन्म यज्ञोपवीत सब कुछ साथ में हुआ, फिर कह रहे कि लक्ष्मण छोटे और हम बड़े। लेकिन गुरुदेव समझ गए कि ये तो प्रभु की लीला है। तो गुरुदेव ने कहा कि जाहि देखि आवो नगर, सुख निधान दो भाई, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। गुरुदेव ने आज्ञा दी है और राम जी चले हैं। जैसे ही भ्रमण करते जा रहे हैं, अटारियों पे नारियों की भीड़ लगी है राम जी का दर्शन करने के लिए। अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और लक्ष्मण जी चंचल हैं। राम जी ने समझाया, लक्ष्मण नगर भ्रमण के लिए जा रहे हो, दृष्टि को नीचे रखना, किसी की ओर देखना नहीं, सीधे चलते जाना। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है प्रभु। लेकिन जैसे ही जाते हैं, लक्ष्मण जी ने देखा नहीं, कुछ देर बाद आवाज मिली, झरोकों में से स्त्रियां नारियां झांकते हुए कह रही हैं, अरे देखो ये जो गोरा वाला है ना, ये छोटा भाई है, और ये जो सांवल सांवल है ना, ये बड़ा वाला भाई है। दूसरी सखी कहती, अरे तुम जानती हो इनके बारे में, इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया संग्राम में। दूसरी कहती, अरे इतने नन्हे नन्हे से बालक दिखते हैं, इन्होंने क्या मारा होगा। बोले, अरे नन्हे से बालक दिखते जरूर है, लेकिन महाराज बहुत बड़े बड़े बलवानों को भी इन्होंने मार दिया, बहुत बलवान है। एक सखी कहती है,
पता है न कि मैया का नाम क्या है? बोले ये जो सावल सावल है ना, इनकी मैया का नाम कौशल्या है। और जैसे इतना कहा लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये जरूर हमारी कोई मौसी की भुआ की मोड़ी होगी, तभी इसको पता है कि हमारी मैया का नाम क्या है। फिर जैसे ही और थोड़े से चले और बोले ये जो गोरे गोरे से है ना, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। तब फिर लक्ष्मण जी ने देखा, भैया ये तो जरूर हमारी कोई पहचान है कि इसको तो हमारी मैया का नाम भी पता है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण चुपचाप चलो, कहीं नहीं देखना है, रुकना भी नहीं है। अब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक राम जी को हाथ पकड़ पकड़ के खींचते हुए ले जा रहे, आइए प्रभु आपको जनक नगरी का दर्शन कराते हैं, आपको जनक नगरी में पूरी भ्रमण कराते हैं। अच्छा भगवान बच्चों के साथ क्यों गए? क्योंकि बच्चों का मन निर्मल होता है। एक बार कोई व्यक्ति बड़े धनाढ्य थे, मार्ग से निकल के जा रहे थे, उनकी ट्रेन छूट गई। जब ट्रेन छूटी तो उसी गांव में किसी व्यक्ति का घर था, परिचित थे, उनके घर पहुंच गए। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज बड़ी कृपा करी, आज कैसे आपका आगमन हुआ, रास्ता भूल गए हैं क्या? तो बोले, नहीं हमारी ट्रेन छूट गई है, शाम को दूसरी गाड़ी से जाएंगे, इसलिए सोचा कि आपसे मिल लें। जब चार पांच लोग आ गए तो पति ने कहा अपनी पत्नी से कि जाओ कुछ इनके भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा, महाराज क्या व्यवस्था करूं, घर में तो कुछ भी नहीं है, 2 रुपए का आटा लेकर के आए थे, रोटी बना ली खा ली, अब कुछ भी नहीं बचा। पति ने कहा, कुछ तो करो, मेहमान है ऐसे तो जाने नहीं देंगे। पत्नी ने कहा, जाओ एक काम करो, 1 रुपए का दूध ले आना, 1 रुपए की चाय पत्ती ले आना, 1 रुपए की शक्कर ले आना और 2-3 रुपए के बिस्किट विस्किट लेके आ जाना। तो पति ने कहा कि मुझे 5 रुपए का सामान उधार कौन देगा? बोले 2 घंटे के लिए उधार ले आओ। बोले महाराज 2 घंटे के लिए भी कौन देगा, और अगर किसी ने दे भी दिया तो मैं 2 घंटे बाद चुकाऊंगा कैसे? तो पत्नी कहती है, महाराज आप बड़े भोले हो, जब वो हमारे घर आएंगे हम उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, जब जाने लगेंगे तो 2-4-10 रुपए तो हमारे बेटे को दे करके जाएंगे, वो ले जाना और चुका देना। पति ने कहा, ठीक है। पहुंच गया, दुकान से सामान लेकर के आया, सबको बढ़िया बना करके चाय वाय दी, नाश्ता दिया, और थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे आराम करके उन लोगों ने विदा ली। कुछ दूर तक पहुंच गए, इधर ये दोनों पति पत्नी निराश हो गए कि कुछ भी देकर के नहीं गए, कैसे उधारी चुकाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको याद आया कि हम बच्चे को कुछ देकर के नहीं आए, तो वापस आए और कहते हैं कि आपका बालक कहाँ है, उसको बुलाना। बोले हमने उसके हाथ में कुछ रखा नहीं। बोले उसकी क्या आवश्यकता है? बोले नहीं छोटा सा है, कुछ लाना भूल गए। जैसे ही आए और वो उसके हाथ में 2 रुपए देने लगे। अब जैसे ही 2 रुपए दें तो वो बच्चा बोले मुझे नहीं लेना। फिर उन्होंने कहा, बेटा रख लो ना, क्या हुआ? बोले नहीं मैं नहीं लेता। पत्नी सोच रही 2 रुपए भी चले जाएंगे, वैसे ही उधारी चुकानी है। पत्नी ने कहा, बेटा ले लो ना, बाबूजी इतने प्यार से दे रहे हैं, क्या जाता है लेने में? बोले नहीं मम्मी मैं नहीं लूंगा। फिर बोला, बेटा ले लो ना, क्या हुआ? देखो वो आपके लिए कुछ लेकर नहीं आए थे, इसलिए आपको पैसे दे रहे हैं। बेटा कहता है, माँ मैंने कहा ना मैं नहीं लूंगा, आप तो कह रही थी 5 रुपए देकर के जाएंगे, 2 रुपए दे के जा रहे हैं, उधारी भी चुकानी है, मैं कैसे ले लूं? तो ये बच्चों का स्वभाव ऐसा निर्मल मन होता है, जहाँ कोई छुपाव नहीं, कोई भाव नहीं, कोई दुराव नहीं। हम जब बड़े होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो मिल कर के रहते हैं,
वो ये नहीं समझते मेरी चाची का बेटा है, मेरी बड़ी मम्मी का बेटा, ये मेरे ताऊ का बेटा है। लेकिन हम जैसे ही बड़े होते हैं ना, तो हम भेदभाव सिखा देते हैं। अरे बड़ी मम्मी का बेटा है, ये चाचा का बेटा है, तो बच्चे फिर बोलना सीख जाते हैं। नहीं तो वो कहते हैं ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पापा हैं। तो हम भेदभाव सिखा देते। लेकिन मानस से सीखिए, यहाँ कोई भेदभाव का कोई स्पर्श भी नहीं है, लेश मात्र भी प्रवेश भी नहीं है। एक चरित्र जीवन में उतर जाए बस, और कुछ सार नहीं है। फिर कितनी ही कथा सुन लो कोई मतलब नहीं, अगर चरित्र नहीं सुधरा तो। छोटे छोटे से बच्चे राम जी को लेकर के जा रहे हैं। अब महाराज जैसी स्थिति भागवत के समय में जब रास का प्रसंग आया, गोपियों की हो गई थी, आज वैसी अवस्था मिथिला की, ये मिथिला की नारियों की, जनक नगरी की नारियों की हो गई है। ये भी राम जी को देखने के लिए महाराज उसी तरह चली है। अब एक नई नई बहू का विवाह हुआ, घर आए दो चार दिन हुए, वो भी राम जी का दर्शन करना चाहती है। लेकिन जैसे ही राम जी का दर्शन करने जाने लगी तो सासू माँ ने उसकी चुटिया पकड़ ली और कहती, अरे नालायक तुझे शर्म नहीं आती, विवाह करे चार दिन नहीं हुए और घूंघट खोल के बाहर जा रही है। तब उस बहू को लगा, उस बहू ने कहा, अरे सासू माँ आप बड़ी अभागी हो। बोले आज पूरी मिथिला की नगरी, आज पूरी जनक नगरी राम जी का दर्शन करने के लिए जा रही है और आप कितनी अभागी हो कि आप राम जी को छोड़ के मुझे देख रही हो। अब क्या करती, बहू थी, जा भी नहीं सकती थी। उसने विचार किया, युक्ति लगाई, भगवान से मिलना है, दो चार बात करनी है, कैसे हो। उसने कहा, सासू माँ घर में सब्जी नहीं है, शाम को क्या बनाऊंगी। एक बड़ा अच्छा बहाना होता है महाराज घूमने का, कौन सा, सब्जी लेने वाला बाजार जाने। फिर पत्नियों का जब घूमने को कहीं नहीं मिला तो कहो चलो सब्जी मंडी तक ही चलते हैं, घुमाते। पति को कहे, जी तुमको सब्जी अब्जी लेना नहीं आता है, सड़ी सड़ाई सब्जी उठा लाते हो, पैसे भी ज़्यादा दे आते हो, आज मैं सब्जी लेने जाऊँगी। तो इसने कहा, सासू माँ सब्जी नहीं है, आप कहो तो लेने चली जाऊँ। सास ने कहा, चली जाओ। और जैसे ही वो सब्जी लेने के लिए पहुँची है, सब्जी मंडी तक पहुँची होगी, सासू माँ के दिमाग की घंटी बज गई। बोले लगता है, हो सकता है सब्जी मंडी में ही कहो भगवान आ जाए और ये भगवान से दो चार बात कर ले। सासू माँ ने ताला भी नहीं मारा, दौड़ते दौड़ते चप्पल भी नहीं पहनी, साड़ी भी नहीं पहनी, ऐसे ही पहुंच गई सब्जी मंडी में, जैसे पुराने फटे टूटे हाल में जैसे भी होगी। सब्जी मंडी में गई, बहू ने देख लिया कि सासू माँ आ गई, भगवान से बात करना है, क्या करे। तो उस बहू ने एक युक्ति लगाई महाराज, और युक्ति लगाते हुए एक बैंगन को उठाया। बैंगन भी कितने कलर के होते हैं, किस किस को पता है, पता है किसी को कितने कलर होते हैं? बैंगनी कलर होता है, हरा कलर होता है, सफेद होता है। अच्छा, तो उस बहू ने बैंगन को लिया, कौन सा बैंगन, बैंगनी कलर का, जिसका वर्ण कैसा था, श्याम वर्ण, और बोलने लगी कि श्याम भटाले हाथ में, ऐसे बोली बहन कि भरता करके राखी हो तुमको राजीव नैन, तुमको राजीव नैन, तुमको राजीव नैन। अब महाराज भक्त की और भगवान की बात हो गई, सासू माँ समझ में नहीं पाई, कह रही है कि बहू ने बैंगन उठाया है और कह रही है बड़ा अच्छा बैंगन है, आज तो भरता बनाऊंगी। लेकिन भक्त का क्या भाव है कि प्रभु आप मेरे घर आना कि भरता करके राखी हूँ तुमको राजीव है। अगर प्रभु आप मेरे घर आओगे ना तो मैं आपको अपना प्रियतम बनाकर रखूंगी। ऐसी स्थिति
आज मिथिला की नारियों की हो गई, जो जिस अवस्था में था उस अवस्था में पहुंच गया। जैसे भागवत में बहुत विचित्र विचित्र भाव दिए कि एक जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी उसे सखी ने, और उसको रास में जाना था, लेकिन इधर क्या हुआ कि सास ने काम में लगा दिया। और जैसे ही सास ने काम लगाया, वैसे ससुर जी ने आवाज लगाई, बेटा रोटी बन गई? उसने कहा हाँ पिताजी बन गई। और इतने में सास ने कह दिया, क्योरी तूने गाय को रोटी डाली कि नहीं, भूसा डाला कि नहीं? अब बिचारी बौरा गई, मती क्या करूं, ससुर जी को रोटी दूं कि गाय को भूसा डालूं? मन तो वहां लगा था भगवान के पास जाना था, तो महाराज भूल गई कि खीर में नमक, दाल में शक्कर, हलवे में मिर्चाई, और ससुर को भूसा गाय को रोटी तुरंत बहू पहुंचाई, वो मुरलिया भागवत नहीं हो रही इसलिए भजन नहीं गाऊंगी, लेकिन एक भाव बता दिया कि महाराज ऐसी विचित्र स्थिति आज अवध में भी, आज मिथिला में भी हो गई। सब भगवान का दर्शन कर रही हैं, और दर्शन करते करते जैसे ही आगे पहुंचे प्रभु, एक दो सखियों ने मन में विचार किया, कितने सुंदर राजकुमार हैं, कहीं हमारी जानकी से इनका विवाह हो जाए। दूसरी सखी ने बोला, अरे तुम्हें पता नहीं है महाराज की एक प्रतिज्ञा है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से जानकी का विवाह होगा। तो एक सखी कहती है कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैंने जितनी एकादशी का व्रत किया है, मैंने जितना भी पुण्य किया है, वो सब ये राम जी को लग जाए और राम जी धनुष को तोड़ दें। इतने में दूसरी सखी ने कहा, अरे वो धनुष को तोड़ देंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जानकी से उनका विवाह होगा, तुम्हें क्या मिलेगा? तो कहती है, मुझे मिलेगा ना, ये जब जब जानकी को लेने आएंगे तो मुझे इनका दर्शन होगा। ऐस प्रकार सब सखियां भगवान से मना रही हैं। राम जी ने सबके नेत्रों को कृतार्थ किया, सबको दर्शन किया, और दर्शन देते हुए आज प्रभु पहुंच गए भ्रमण करते करते वापस गुरुदेव के पास। फिर शयन किया, रुके हुए हैं, और अगले दिन फिर पुष्प वाटिका में गुरुदेव की सेवा के लिए पुष्पों का चयन करने के लिए जाते हैं। उसी समय में यहाँ प्रथम बार अब मानस में माँ जानकी का प्रवेश होता है। उसी समय माँ जानकी अपनी सखियों को लेकर के पुष्प वाटिका में आई है। कितने ही अब सर सीता चित्र का वर्णन किया कि ते ही अवसर सीता तहां आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। जो भी कुवारी कन्याएं हैं उनको माँ गौरी का पूजन करना चाहिए। के संग सखी सब शुभाग यहाँ पे सब माताएं बैठी है, इसलिए गोस्वामी जी ने एक सुंदर चित्रण किया है। क्या
एक सीख कि जब बेटियां बड़ी हो जाएं, जब बेटियां बड़ी हो जाएं तो कभी भी उन्हें अकेले कहीं नहीं जाने देना चाहिए। संग सखी, ये हम नहीं कह रहे, मानस कह रही है, संग सखी सब शुभगा सयानी। आज माँ जानकी के साथ में सब उनसे बड़ी उम्र की सखियां जा रही हैं। संग सखी सब शुभग है, सुंदर जिनका चरित्र है, जो शयानी है। अगर हमारी बेटी अकेली जाती है, हमें क्या पता बाहर क्या हो रहा है, क्या माहौल है, क्या आचरण है। हमारे संस्कार के द्वारा आज कई बेटियां हैं जो अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। कई ऐसी भी बेटियां हैं जो अपने माँ बाप के नाम को मिट्टी में मिला देते हैं। उन बेटियों के लिए एक यही सीख है कि बड़े लाड़ प्यार से माता पिता ने आपको पाला है। आज अगर कोई छोटी से छोटी वस्तु भी हमारी गुम जाती है या खराब हो जाती है तो हम सोचते हैं, अरे ये खराब हो गई, ये गुम गई। फिर जब बेटियां कोई गलत कदम उठाती हैं या उनका आचरण गलत होता है तो मानो कि माता पिता जीवित तो रहते हैं लेकिन उस शरीर में से मानो प्राण निकल जाते हैं। इतनी पीड़ा उनको सहन करनी पड़ती है। इसलिए आजकल मोबाइल फोन चल गए हैं, सब कुछ चल गए, अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को सुविधा दीजिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सब चीज़ दीजिए, लेकिन समय समय पर आप इस चीज़ की भी जानकारी रखिए। अगर आप अपने बच्चों से अधिक प्रेम करते हैं तो, कि हमारे बेटे के पास अगर फ़ोन है तो वो उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। हमारी बेटी के पास अगर फ़ोन है तो वो उस चीज़ का दुरुपयोग कर रही है या सदुपयोग कर रही है। आजकल बच्चे पढ़ते हैं तो बोलते हैं मोबाइल चाहिए, मोबाइल से पढ़ाई होती है। पहले के समय में जो लोग पढ़ते थे तब कौन से फ़ोन थे। ठीक है, मान लिया कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आवश्यकता पड़ती होगी, लेकिन कितनी आवश्यकता पड़ती है इसका भी आप लोगों का काम है कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमारे बच्चे किस मार्ग पर जा रहे हैं। अगर अकेले जा रहे हैं तो एक दो सखियों के साथ, सहेलियों के साथ भेजिए। उनके साथ में रहने वालों का आचरण कैसा है उसको विचारिए। तो बाबा ने कहा ये संग सखी सब शुभग शयानी। सारी शयानी सखियां आज माँ सीता के साथ चली हैं। जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश किया उसी समय एक सखी सी असंग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सुंदर फुलवारी को देखा है देखने के लिए महाराज पहुंच गई, और जैसे ही उसने देखा इधर भगवान भी पुष्प तोड़ने के लिए आए हैं। कृष्ण जी नहीं हैं जो महाराज कूद फाद करके चले गए, पुष्पों को तोड़ लिया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। माली को कहा गुरुदेव की सेवा के लिए पुष्पों का चयन करना है। माली ने कहा हम कर देते हैं। बोले नहीं, सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में कोई ब्राह्मण को हमने बुलाया भोजन के लिए, किसी संत को बुलाया, नौकरों को लगा लिए, भैया तुम खाना परसना, तुम खाना बनाना, हम आराम से बैठ के बात करें। ये नहीं होना चाहिए। जब भी भगवान की सेवा करनी है, संतों की सेवा करनी है, ब्राह्मणों की सेवा करनी है, स्वयं के हाथ से करिए। क्योंकि जब आप स्वयं के हाथ से सेवा करोगे तभी तो आपको फल मिलेगा। राम जी गुरुदेव की सेवा करने के लिए आए तो भक्ति स्वरूपा जानकी जी का दर्शन उनको पुष्प वाटिका में हुआ, और हनुमान जी भक्ति स्वरूपा मैया जानकी की खोज करने जाएंगे तो उनको अशोक वाटिका में मैया जानकी का भक्ति का दर्शन होगा, माँ का दर्शन होगा। भगवान को पाना है तो सेवा अपने हाथों से करिए। पहुँचे हैं इधर, राम जी ने पुष्पों का चयन किया। इधर जैसे ही उर्मिला जी आई हैं उन्होंने जाकर के जानकी को बताया कि देखो जिनकी चर्चा पूरी जनक नगरी में हो रही है
पोदो राजकुमार इस पुष्प वाटिका में पुष्पों का चयन कर रहे हैं। जैसे ही जानकी जी ने सुना, देखने के लिए आई और देखते ही देखते महाराज अपने नेत्रों को बंद कर लिया। उस सखी ने कहा कि अरे क्या कर रही हो, नेत्रों को बंद क्यों कर लिया, कितने सुंदर रूप है, इनका दर्शन करो। तो मानो जानकी जी ने कहा कि नेत्रों के माध्यम से इतनी सुंदर झांकी को, इस छवि को मैं अपने हृदय में उतार रही हूँ। महाराज सुंदर दर्शन किया, पूजा करने के लिए आई थी, पूजा करने के लिए पुनः माँ के मंदिर में पहुँची हैं। अभी तक कोई भावना नहीं थी, कुछ मांगने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही राम जी को देखा है महाराज तो भावना बदल गई। माँ के मंदिर में जाके पूजा की है और माँ से प्रार्थना करने लगी कि माँ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैया मैं थारी बेटी हूँ, रखियो मेरी लाज। मैया मैं थारी बेटी हूँ, रखियो मेरी लाज। मैया मैं थारी बेटी हूँ, रखियो मेरी लाज। रखियो मेरी लाज हो मैया, रखियो मेरी लाज। मैया मैं थारी बेटी हूँ, रखियो मेरी लाज। मैया मैं थारी बेटी हूँ,
से बोलिए सच्चे दरबार की जय। माने प्रार्थना की है और जिन जिन भी बेटियों का विवाह नहीं होता है उन्हें उत्तर दिशा की ओर मुख करके हल्दी का चंदन करते हुए माँ गौरा की स्तुति करनी चाहिए। और हर गुरुवार के दिन अगर वो उल्टे हाथ की छोटी उंगली में जो बेटियां है अगर मेहंदी लगाएगी तो उनका विवाह अति शीघ्र होगा और उन्हें अच्छा घर मिलेगा। और जिन भाइयों का विवाह नहीं होता है उन्हें भगवान शंकर से प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें सीधे हाथ की छोटी वाली उंगली में हर गुरुवार को मेहंदी लगानी चाहिए तो उनका विवाह अति शीघ्र होगा। कई लोग क्या कहते हैं कि महाराज पत्नी कैसी मिले, बोले लक्ष्मी जी जैसी होनी चाहिए जो रोज अपने पति के चरणों की सेवा करे, रोज अपने पति के पैरों को दबाए, कभी कुछ ना कहे, ऐसी पत्नी चाहिए। तो भैया ऐसी पत्नी तो चाहते हो लक्ष्मी जैसी, लेकिन पहले खुद भी तो विष्णु बनो तब तो लक्ष्मी मिलेगी। खुद विष्णु बनना नहीं चाहते, चाहते हमें लक्ष्मी मिल जाए। खैर एक विनोद की बात है, लेकिन जीवन में अगर हम चाहते हैं कि जीवन की गाड़ी बढ़िया चले तो महाराज अगर गाड़ी चला रहे हो और अगर हवा भरवाने जाओगे और दोनों पहिए में अगर ज़्यादा हवा भर दी तो एक टायर फूट जाएगा, फिर धीरे धीरे दोनों ही फूट जाएंगे। इसलिए एक में ज़्यादा है तो एक में कम रहनी चाहिए। कभी ये पार्टी गर्म है तो ये पार्टी को नरम होना चाहिए और कभी ये गर्म है तो इधर नरम हो जाना चाहिए, है ना? तो जीवन की गाड़ी बढ़िया चलेगी। कई बार हम क्या करते हैं कि बिल्कुल बस कुछ हुआ नहीं और एकदम खड़े हो गए गरम, जा अपने बाप के घर आना मत कभी, ये गुस्सा वहीं दिखाना, अपनी मम्मी को दिखाना, अपने पापा को दिखाना, तो फिर वो भी कहेगी हाँ जी चली जाऊंगी, फिर चली भी जाएगी, फिर आएगी भी नहीं। तो संसार है, इस जीवन में कभी नरम कभी गरम होते हुए प्रभु का भजन करते हुए भक्ति करते हुए इस जीवन को व्यतीत करना है। न जाने अब मिले ना मिले। तो माँ ने पुनः स्तुति की है कि और इस स्तुति का पाठ भी बेटियों को करना चाहिए कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, हे भगवान शिव के मुख की चंद्र चकोरी। गिरिराज जी की पुत्री के रूप में, भगवान के मुख की चंद्र की चकोरी के रूप में मैं आपकी स्तुति करती हूँ। जय गज बदन षडानन माता, हे गजानन और कार्तिकेय की माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता, नहीं तब आदि न मध्य अवसाना, ना आपका आदि है न मध्य है न अंत है, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, आपके प्रभाव को वेद भी नहीं जानते, कुमारी रूप में विवाहिता रूप में मातृ रूप में और शक्ति इन चारों रूप में मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रार्थना करती हूँ। ये नहीं कह सकती कि मुझे पति रूप में राम जी चाहिए, मेरा विवाह हो जाए, इसलिए स्तुति कर रही हैं कि मोर मनोरथ जानमुनी के बसाऊं सदा उरपुर सबकी के। श्री राम 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 राम
क्या करें, मुझे वर दीजिए, मुझे, मैं प्रार्थना करती हूँ। पूजा की है, स्तुति की है, और जैसे ही माँ गौरा को माँ जानकी जी ने जयमाला पहनाई है, तो जब स्तुति की, प्रार्थना की, तो माँ गौरी के गले की माला जानकी जी के गले में आकर के गिर गई और मानो मूर्ति भी बोल गई, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूज ही मना कामना तुम्हारी, कि बेटी जो तुमने वर मुझसे मांगा है वही तुम्हें वर प्राप्त होगा। मन ही मन में आज माँ प्रसन्न हो गई कि आशीर्वाद मिल गया है, कि मनो जाही राचे हूँ मिला ही सोबर सहज सुंदर सावरो तुम्हारे मन में जो बस गया है वही सावरा सलूना श्रीनाम मनुजा ही राचो मिले सोबरू वही तुम्हें वर के रूप में प्राप्त होगा। और जानी गौरी अनुकूल सिया ही हर्षई न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे शुभ संकेत हो गया वाम भाग फड़कने लगा महाराज। और बड़ी सुंदर छवि का आप सभी हम सभी दर्शन करेंगे, माँ गौरी की पूजा की है। इसके पश्चात इधर सबके बीच में झांकी आएगी, विवाह भी होगा, सब लोग दर्शन करेंगे, लेकिन उसके पूर्व थोड़ी सी कथा को श्रवण करिए, तभी भगवान के विवाह का आनंद आएगा, है ना। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। कृपया सभी लोग शांति बना करके रखेंगे। प्रेम से बोलिए जगदम्बे मात की जय। भगवान पुष्पों का चयन करके लेकर गए हैं, धर्मा भी अपने महल की ओर आई हैं। जैसे ही गुरु जी के पास पहुँचे, चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी ने कहा क्या बात है राम, बहुत विलंब हो गया। तो राम कहा सब कौशिक पाई सरल स्वभाव छुअत छल नाही। भगवान के मन में कोई छल नहीं है, इसलिए गुरुदेव से कहा गुरुदेव जिनके लिए महाराज जनक ने स्वयंवर रखा है ना, वो जगत जननी जानकी भी उस पुष्प वाटिका में आई थी, उनका दर्शन करने लगे इसलिए विलंब हो गया। गुरु जी ने ध्यान लगा के देख लिया महाराज, और जैसे ही देखा कि यहाँ तो पसंद कर आए हैं, जानकी जी ने राम जी को पसंद कर लिया, तो गुरुदेव ने राम जी को आशीर्वाद दे दिया और कहा कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे।
राम लखन सुनी भय सुखारे। अब महाराज राम जी देख के आए थे और राम जी अगर देख के आए थे तो ये कहना था सुफल मनोरथ हो तुम्हारा। राम लखन जी का नाम क्यों लिया? समझ गए महाराज कि लक्ष्मण जी भी उर्मिला जी को देखा है, इसलिए दोनों को आशीर्वाद मिल गया है। अब तो महाराज इधर धनुष यज्ञ की तैयारियां चालू हो चुकी हैं, आरंभ हो चुकी हैं। जनक महाराज ने निमंत्रण भेजा है इधर विश्वामित्र जी राम जी को लेकर लक्ष्मण जी को लेकर के उस महल में पधारे हैं। और जैसे ही महल में आए बंदीगणों ने घोषणा कर दी है, एक एक राजा उठ उठ कर के आते हैं, धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाराज किसी से भी धनुष हिलता नहीं है। और जब पहले वाले राजा से धनुष ना हिले तो दूसरा वाला प्रार्थना करे कि ये भगवान इससे तो ये धनुष टूटना ही नहीं चाहिए, ये धनुष मुझसे टूटे। लेकिन जब वो आ गया उसे धनुष हिला नहीं, ये दूसरा वाला राजा धनुष तोड़ने जाता है तो पहले वाला राजा भगवान को प्रार्थना करता है, कहता है हे गणपति बब्बा 10 किलो मोदक चढ़ाऊंगा, मुझसे ये धनुष नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटना चाहिए। ऐसे करते करते महाराज भूप सहस 10 एक ही बारा कह रहे हैं, मतलब 10,000 हाथी भूप सहस 10 एक ही बारा, मतलब 10,000 हाथी का जितना बल होता है उतना एक एक राजाओं में बल है, लेकिन फिर भी उस धनुष को हिला नहीं पाए। और एक भाव और है, भूप सहस 10 एक ही बारा, अगर 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने के लिए लगे और 10,000 राजा उस धनुष को तोड़ देते तो विवाह किसके साथ होता? तो इतना बल था, लेकिन फिर भी महाराज उस धनुष को तोड़ नहीं पाए। जब महाराज जनक ने ये देखा व्याकुल हो गए, मन में ये सोच लिया कि मुझे लगता है कि कोई भी वीर इस धरती पर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे। महाराज जनक खड़े हो गए और जनक जी ने खड़े होकर के घोषणा कर दी है कि तजाहू आस निज निज ग्रह जाऊं, तजाहू आस निज निज ग्रह तजहू आस निज निज ग्रह जाऊ लिखा न विधि वे देई विवाहू। मुझे लगता है कि विधाता ने जानकी का वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा है, इसलिए सारे राजा इस आस को छोड़कर के अपने अपने घर चले जाइए। जब महाराज लक्ष्मण ने ये सुना क्रोध आ गया, खड़े हो गए और कहते हैं हे जनक महाराज, जनक कही जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जनक तुमने ये अनुचित वाणी कही है जब तुम्हें पता है कि यहाँ रघुकुल के वीर शिरोमणि श्री राम जी विराजमान हैं, कि रघुवंशिन मह जहाँ का होई ते ही समाज अस कहाओ न कोई, कि कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। महाराज संबोधन नहीं किया, सीधे जनक संबोधन किया, बोले प्रभु आप आज्ञा करें तो इस पूरे ब्रह्मांड को मैं एक घट की समान तोड़ करके फेंक सकता हूँ। जैसे कोई कमल को उखाड़ करके फेंक देता है, इस पूरे ब्रह्मांड को मैं उस तरह उखाड़ करके फेंक सकता हूँ, आप आज्ञा तो करें। राम जी को लगा भैया लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हैं, क्या करें। भगवान ने लक्ष्मण को शांत कराया, कहा लक्ष्मण भैया बैठ जाओ। और जैसे ही गुरुदेव ने समय को शुभ जाना है,
सबको चिंतातुर देखा है। इधर अवधवासियों ने जितने लोग आए थे मिथिला के, उन सब ने अपनी पलकों को पकड़ कर रखा है अभी तक। क्यों? मन में विचार करने लगे, ऐसा ना हो कि ये पलके झपके और उसी समय मैया जानकी जयमाला डाल दे। इधर जानकी जी भी प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, हे भूमि देवी, इस भार को, इस धनुष के भार को आप हर लो। हे गणेश भगवान, आप इस विघ्न को दूर करो। और उसी समय महाराज गुरुदेव ने राम जी की ओर देखा है और राम जी की ओर देखते हुए इशारा किया है कि उठा जी ने राम जी को आदेश किया, उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा। उस समय मेरे राम जी खड़े हुए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। सुनी गुरु बचन चरण शिरुनावा। गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चले हैं। ना हृदय में प्रसन्नता है, ना हृदय में कोई विषाद है। नहीं तो आप के और हम जैसे कोई लोग होते, कहते अच्छा गुरुदेव ने आज्ञा करी, अब भी धनुष तोड़ करके आता हूँ और पहुंच जाते। महाराज राम जी गए, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे और गुरुदेव के पास प्रणाम करके जैसे ही चले, पहले धनुष को प्रणाम किया और जैसे ही महाराज धनुष को भगवान ने उठाया, इधर लक्ष्मण जी ने सबको संकेत कर दिया है कि जिस समय परमात्मा राम इस धनुष का भंजन करेंगे उस समय ये पृथ्वी कंपायमान होने लगेगी, ब्रह्मांड लुढ़कने लगेगा, डोलने लगेगा। इसलिए इस पृथ्वी को संभाल करके रखना, इस ब्रह्मांड को संभाल के रखना। लक्ष्मण जी स्थिर हो गए और एकाएक जैसे ही मेरे प्रभु ने धनुष को उठाया, उसी समय एक घनघोर शब्द के साथ में मेरे प्रभु ने उस धनुष का भंजन किया। प्रेम से बोलिए को तोड़ा। एकाएक इतना भयंकर शब्द का उद्घोष हुआ, सबके कान बंद हो गए। इतना भयंकर प्रकाश हुआ कि कोई भी उस प्रकाश को, उस धनुष को टूटता हुआ नहीं देख पाया। प्रेम से बोलिए श्याम राम चंद्र भगवान की। धनुष टूट गया और हमारे राम जी वहीं खड़े हुए अभी तक। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्या करें, राम जी हैं, कृष्ण जी होते तो अभी तक तो महाराज दौड़ के आ गए होते, भगा के भी ले जाते। जिस समय राम जी ने धनुष को तोड़ा, सबके अंदर प्रसन्नता की लहर छा गई। सब प्रसन्न हो गए कि आज सबकी जो मन की इच्छा थी, जो मन का भाव था महाराज, आज वो पूरा हो गया। सब सखियों ने यहाँ बड़ा मंगल गीत गाया है, मंगल गान किया है। सभी लोग शांति का परिचय देते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे कुछ समय के लिए। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए।
यहाँ जानकी जी ने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आप हम सब लोग श्रवण करेंगे। भगवान से प्रार्थना की है कि मैं तो बनूंगी श्री राम की दुल्हनिया, 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 राम की दुल्हनिया, रघुनाथ की दुल्हनिया, राम की दुल्हनिया।
किसी को ये तो नहीं लग रहा कि आज समय ज्यादा हो गया, नहीं लग रहा है ना? प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिः ॐ स्वस्तिन इन्द्रो वृषभाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिन क्षरक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातुः त्रिकदश्वामरुतः पृष्टिमातरः सुमञ्जावानो विदति गुजग्मयः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशादमन्निहं भद्रं करणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्च्छविजत्र स्थिरैरङ्गे तुष्टवागुससनो विर्वसे वहिते वहितं जदायुः शतमिन्नु सरदो अन्तिदेवा जित्रा नक्षत्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्दन्तोः अतिर्दो अतिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वै देवा अतिथिः पञ्च जना अतिर्जातमतिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जैसे ही भगवान का विवाह संपन्न हुआ पूरे मिथिलावासियों ने जयकार लगाई है, तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। रघुनंदन जनक किशोरी जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी जय रघुनंदन जनक किशोरी रघुनंदन जनक किशोरी सभी लोग ऐसे का ऐसे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जो मुख्य यजमान हैं
वो कन्यादान करेंगे और जिसको भी फिर राम जी का या जानकी जी का पूजन करना होगा वे एक एक करके आएंगे और पूजन करके फिर से अपने स्थान पर बैठते जाएंगे, शांति का परिचय देंगे। और बाकी के लोग बैठे बैठे भी भजन का आनंद लेंगे, नृत्य करते हुए, झूमते हुए, गाते हुए प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी समय महाराज दशरथ के पास पत्रिका भेजी गई, सुंदर बारात के साथ महाराज दशरथ अपने पुत्रों को लेकर के जनक नगरी में आए। इधर राम जी के साथ में माँ जानकी जी का विवाह हुआ, मांडवी जी के साथ में श्री भरत जी का विवाह हुआ, उर्मिला जी के साथ में श्री लखनलाल जी का, और श्रुति कीर्ति जी के साथ में श्री शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। चारों के विवाह संपन्न हुए और जब विवाह हो जाता है तो फिर विवाह के बाद माताएं गीत गालियां गाती हैं, शोहर आदि गाती हैं। तो यहाँ पर भी जितनी सखियां थी उन्होंने बड़ा सुंदर भाव देते हुए गाया और सारी सखियां बोलने लगी कि आज हमारी ये मिथिला नगरी निहाल हो गई। चार चार दूल्हा हैं लेकिन महाराज जो बड़ा दूल्हा है ना वो तो कमाल का है, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं कहे जा सकते। तो सब गाने लगे। देखिए आपके यहाँ जब विवाह होता है तो कितना नाचते हो, कितना नृत्य करते हो, झूमते हो, गाते हो। तो फिर यहाँ भगवान का विवाह हुआ है इसलिए सब झूमते हुए, नृत्य करते हुए, तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे कि आज मिथिला नगरी निहाल सखिया, आज मिथिला नगरी निहाल सखिया, हो चारो दूल्हे हो चारों दूल्हे हाँ में, हो चारों दूल्हे हाँ में, बड़का कमाल सखिया।
मणि मोरिया कुंडले Bye.
चारो दूल्हे हमें बड़का कमाल सखिया। अब आरती करें प्रेम से, बोलिए भक्तोत्सल भगवान की। अच्छा कृष्ण जी की सुनना है कि राम जी की सुनना है? हाँ नहीं, अब मेरी पसंद से तो मैं चार घंटे बोली गाली, अब कुछ आपका भाव हो तो बता दो। जब भगवान का विवाह हुआ और जैसे ही पहुंचे तो सखियों ने कहा माताओं से कि कहीं आपका दामाद इतना सुंदर है और कहीं किसी की नज़र ना इसको लग जाए, इसलिए राई और नोन ला करके जरा लाला की नज़र उतार दो। तब सखियाँ कहने लगीं कि ललन परेटोना जन को डारो, ललन परेटोना जन को डारो,
जय हो। चलिए अब तो आरती कर दे, नाचते नाचते थक गए हो तो आरती करें। चलिए आज वैसे भी समय बहुत हो चुका है, सभी लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरि ही अम्मा चंद्रमा मनसो जातक्षो हो सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुष प्राण से मुखा जगरी रजायता हिदगुंघवि प्रजननम मे असुदश वीर गुंग सर्वगण गुंग ससय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नम पयोरे तो अस्मा सुधत। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयालविन्दे भवं भवानी श्वेतं नमामि मन्दालमाला कुरतालकाले कृपालमाला च शिखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं देवादिदेव वन्द्रमात्माभिवन्द्रं वासुधारार्ति मन्त्रपुष्पाञ्जलिपठेयुः अथवस्ति यक्षत पुष्पाणि घृत्वा हरि ओम जन्ने न जन्नामया जन्त देवास्ताणि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यद पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्म सिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीतावराय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवंती कापकुलचंपकपाटलाब्जी पुण्यः गजागकरवेलरसाल पुष्पे बिलावा प्रवाल तुलसीदल मंजरेभि तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवानाय श्रीरामचरितमानस शरणारविन्देषु मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः यानि कानि जपापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदिक्षणाया पदे पदे प्रदिक्षणाया पदे पदे बुली गजानंद गणपति भगवान की जय बुली शंकर पार्वती भगवान की बुली हनुमान जी महाराज की बुली रामचरितमानस की बुली रामचंद्र भगवान की बुली वृंदावन बिहारी लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम सद्गुरुदेव भगवान की बाकी बिहारी लाल की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रानी सती दादी की खाटू नरेश की आज के आनंद की